क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी व खरीद फरोख्त करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की तलाशी में 4 पिस्टल 3 देसी कट्टे क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। अपराधों की राजधानी बन चुके इंदौर शहर में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है जो बड़वानी खरगोन धार के सिलगिरों से हथियार लाकर इंदौर शहर में बेच रहे थे। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो आरोपी इंदौर में हथियार लाकर सप्लाई कर रहे हैं। वहीं क्राइम ब्रांच ने मौके पर दबिश देकर थाना कनाडिया के पुलिस बल के साथ होली के आधार पर दो युवकों को पकड़ा, जिनकी मौके पर तलाशी लेने से इन दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 7 हथियार बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हथियार पर्व के धंधे में यह लंबे समय से लिप्त हैं। वह आसपास के सीमावर्ती इलाकों से हथियार लाकर इंदौर में सप्लाई कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में ही हथियार खरीद फरोख्त का आरोप है। वहीं अब पुलिस उन आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी जिन आरोपियों को हथियार सप्लाई होने थे। लोग इस कार्य में लिप्त हैं और कुछ अन्य लोगों की मदद से या एजेंटों की मदद से वो उन बने हुए हथियारों को शहर में अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं या इवन प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी कुछ लोगों को सप्लाई करते हैं। इस तरह की बात आई थी, उसमें विगत समय में काफ़ी बड़ी मात्रा में अलग अलग लोगों से हथियार जब्त भी हुए हैं। इसी कड़ी में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास आदि के सिटीजनों से संपर्क करके एक ये व्यक्ति है जो उनसे उनके डेरे पर जाकर के उनसे हथियार लेता है और यहाँ इंदौर में और बाहर भी हथियारों की सप्लाई करता है। उसके बारे में ये पता चला था कि ये ग्राम पश्चिमी जिला बड़वानी का रहने वाला है और इसका नाम रघु पिता बबलू कारोले के नाम से ये जानकारी में आया था। इस पर मुखबिर की सूचना पर इसमें इसके पास अवैध हथियारों की सूचना होने की जानकारी प्राप्त हुई थी और इसको घेराबंदी करके छोटा राजबाड़ा के पास में पकड़ा गया। तो इसके पास से 6 अवैध हथियार बरामद हुए हैं जो सिकलीगरों के द्वारा बनाए हुए हैं और वो देशी पिस्टल और देशी कट्टे की श्रेणी में है। और ये ज्ञात हुआ कि इसमें सिकलीगरों के डेरों में जाकर के ये इसने वहाँ से हथियार लिए हैं और ये यहाँ पर इंदौर में किसी को सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। इस पर से इन हथियारों की बरामदगी पर से धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अपराध क्रमांक 587/19 कनाड़िया थाने में। और उससे फिर इस संबंध में और पूछताछ हुई कि वो किसने और किसी को हथियार यहाँ दिए हैं या देने वाला है। उसमें ये जानकारी लगी कि इंदौर के ही एक पवन पिता लक्ष्मी नारायण चौहान भूरी टेकरी में रहने वाले व्यक्ति को भी इसने हथियार दिया है और उसकी निशादेही पर इस आदमी को भी गिरफ्तार किया गया और जो हथियार इसने दिया था 32 बोर की देशी पिस्टल उसके कब्जे से बरामद हुई है और उसको भी अपराध कायम करके गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार इन दो लोगों से 7 अवैध हथियार बरामद हुए हैं जो कि जिले से बाहर बनाए गए हैं और वो जिले के भीतर और यहाँ इंदौर के बाहर भी इनकी सप्लाई करने की योजना थी। इनसे भी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है ताकि इनकी कड़ी में और अन्य जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके संबंध में भी खुलासा हो सके। बड़वानी में इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी लगी, पहले भी ये किसी मामले में वहां गिरफ्तार हुआ है और दिखने में साधारण किस्म का आदमी है, कोई सामान्य तौर से संदेह नहीं करता। इसमें चूंकि पिन पॉइंटेड प्रिसाइज सूचना थी जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है, इसलिए उस सूचना पर से इसको पकड़ने में